हेलो दोस्तों, तो मैं फिर से लेके आ गई हूँ आपके लिए छोटी सी रेसिपी। तो ये है, आज कोफ्ता बना रहे थे हम। तो ये सबसे पहले बता दूँ, ये व्लॉग जो है बहुत पहले का है, पहले की वीडियो शूट कर रखी है, शादों से पहले की। अभी आप सोचोगे कि प्याज टमाटर प्याज लहसुन खाने लग गए, तो नहीं, ये पहले की वीडियो शूट कर रखी थी मैंने। तो आज हम बना रहे हैं लौकी के कोफ्ते, जो कि पकौड़े आपने देख लिए पहले, पकौड़े बना रखे थे उस तरह से। और फिर उसको कोफ्ते हम सब्जी के रूप में बना लेते हैं, आपको पता ही है। तो मैंने प्याज टमाटर डाल दिया है, लहसुन वगैरह मसाला डाल के उसको अच्छे से भून लेंगे, अच्छे से मसाले को फ्राई कर लेंगे जब तक कि तेल ऊपर ना आ जाए। ये देखिए मसाला एकदम भून चुका है। उस मसाले को भूनने के बाद आपका जो भी मसाला है उसको जितना भी आपको तरीदार बनाना है उसमें पानी डालिए, और जितना आपको ग्रेवी पसंद है उस हिसाब से उस ग्रेवी को बनाइए। एंड ये आपको पानी थोड़ा ज़्यादा लग रहा होगा इसमें, बट ये पानी ज़्यादा है नहीं क्योंकि पकने के बाद पूरा सूख जाएगा। और उसके बाद हम इसमें डालेंगे जो हमारे कोफ्ते बने हुए हैं वो। और उसके साथ साथ मैं हमेशा जब भी पकौड़े बनाती हूँ मैं मिर्ची ज़रूर भूनती हूँ क्योंकि मुझे बहुत पसंद है। और तो ये बन चुके हैं हमारे कोफ्ते जो कि पक रहे हैं, आप देख ही रहे हो खोल रहे हैं बिल्कुल। और इसमें थोड़ी मलाई ऐड कर दी थी मैंने लास्ट में फ्लेवर और बढ़ाने के लिए, तो काफ़ी टेस्टी बने हुए थे ये। अभी पकने के बाद पूरा पानी सूख जाएगा और एक डिलीशियस कोफ्ते हमारे बनके तैयार हो जाएंगे, आप लोग देखिएगा। एंड कैसी लगी है आपको ये वीडियो ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइएगा अपने। ये देखिए दोस्तों, कमेंट करके ज़रूर बताना कैसी लगी आपको वीडियो, और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। उस दिन मैंने थोड़े चावल भी फ्राई किए थे, तो ये है हमारा रात का खाना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।